और मम्मी के होने वाले बहू के लिए भी हम लोग कपड़े वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं शॉप पर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज मम्मी को तन्नू भी है। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं ले जा रहा हूँ बिट्टू, तन्नू और मम्मी को खरगोन मेरे साथ। इन शैतानों को तो ले जाना ही पड़ेगा। एक ऊपर है शैतान। क्या कर रहा है शैतान ऊपर? वो तो खेल रहा है। और मम्मी सुबह सुबह से देखो कपड़े वगैरह यहीं पे धोने लग गई है। ये क्या लगा हुआ दिख रहा सेवड़ा थोड़ी ना है, पाउडर है। आज मम्मी यही कपड़े धोने लग गए। हाँ, बगला दी थी। ए बगलाना नहीं, उसको बगलाना नहीं बोलते ना, गिरा दिया था। गिरा दी थी सब्जी। अच्छा, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। हम खा लेंगे, आप खा लो। तो गाइस अभी हम लोग तैयार हो गए। बिट्टू, तन्नू, मम्मी में भी तैयार हो गए। इधर पास में आना। तो अभी देखो मेरे बाल कैसे बिखरे से दिख रहे हैं ना। मम्मी बोल रहे बाल सही कर ले, तो मैं ना अभी ऐसे बाल रख रहा हूँ क्योंकि मैं अगर जमाता हूँ ना तो आड़े टेढ़े हो जाते। आज मुझे हेयर कट भी करवाना है, बाल कटवा लूंगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं खरगोन। अब खरगोन किस लिए जा रहे हो भी आप लोगों को बता देता हूँ। मेरी होने वाली वाइफ के लिए कुछ लेना है हम लोगों को। होली का जैसे होली का त्यौहार आ रहा ना, तो त्यौहार में ना कुछ लगता है, वहाँ पे देने जाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या क्या लेंगे उनके लिए, फिर कब क्या देने जाएंगे, सब कुछ आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहना। और कमल का तो पता ही आप लोगों को, ये कहीं जाता नहीं, लेकिन मैं जब ससुराल जाऊँगा ना तो कमल को लेके जाऊँगा साथ में। हो गया, बैग वैग भी तैयार कर लिया मम्मी ने। कपड़े कैसे क्या लेना, मैंने कभी किसी लड़की के लिए कपड़े नहीं लिए ना। तो गए जा रहे, तैयार हो गए, फटाफट निकल रहे हैं। बैग के बराबर तो बिट्टू जी, इधर पलट पलट। तन्नू रुमाल लेके था। हां हां, चले मम्मी। हां चलो, चिपके लिए तैयार हो गए। बाय, मिलते हैं ना। बाय। नहीं आज आ सके तो आ सके, वरना क्या पता मामा यहाँ रोक ले। अगर रोक ले तो फिर रुक जाएंगे, है ना? जूते धो। ये इसको अभी जूते वगैरह धोने हैं। तेरे ही वो पैसा रखे हुए पैसे थे। तो गाइस अभी हम लोग आगे बिस्तान आ गए। देखो ये बिस्तान में लाके चाहिए बिस्तान। अभी आ गए हम लोग और अभी एक जगह रुके। यहाँ से ना मैं खाने के लिए कुछ बनवा लेता हूँ। गरम गरम समोसे यहाँ पर दिख रहे, समोसे वगैरह बनवा लेता हूँ। 15 समोसे कर दो। तो मैंने 15 समोसे ले लिए क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चटनी बांधते। मम्मी इसको रख लो, बैग देखना गिरे नहीं है ना। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए जामले मामा के यहाँ। घर में तो कोई नहीं दिख रहा, सब सब कहाँ चले गए? घर के अंदर तो कोई नहीं है ना। गई है कैल चल रहा? बढ़िया छे। बिट्टू तन्नू डायरेक्ट उधर ही चले गए, तो वो कमरा बनावा ना उधर आगे, सबके सब ना वहाँ चले जाते बैठने के लिए। दादी भी है, मैं भी यहीं पे लूंगा। तन्नू कहाँ? इनका मिला होगा, गए नहीं काम पर। अच्छी बात भी आई होगी, बढ़िया होगा। तो सबके सब तो यहाँ बैठे हुए। दीदी क्या हालचाल? बढ़िया। हमारे भी सब बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। कल परसों बात करी थी लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि हम यहाँ आएंगे। सरप्राइज दे दिया। इसको देखो हीरो लग रहा है यार, क्या बात है। हाँ चल दीजिए खाना दे, चल तो बेटा चल, तो चल खा लिया। खाने के लिए लाया, खाने के लिए देखो कितने सारा ले आया। देखो खाने के लिए एक ही दिन ले लिया। चलो काम में ले, चल चल घर में खा जाओ। आप भी चलो महाराज। मम्मी तू गोरी कैसे हो गई? कैसे भगवान मारे।
गोरी लग रही है आईफोन को कमाल है नहीं आईफोन का नहीं आईफोन को कमाल है नहीं सही में गोरी लग रही है आ जाओ ना इन निकाल ना इधर मम्मी ने क्या करा पता है भैया को दूर से मम्मी ऐसा ही करती कुछ भी खाने के लिए लाते हैं ना भैया बोले भैया बोले कि मैं बच्चा हो गया नरे मनु का इन दोनों की बिल्कुल नहीं जमती दोनों की और साथ में बैठ के खा रहे देखो जमती दोनों की नहीं है फिर भी साथ में खा रहे ये खा बेटा तो गाइस बिट्टू तन्नू का भी हम यहाँ मामा के यहाँ छोड़ के जा रहे हैं अभी मम्मी और मैं जा रहा हूँ मार्केट तो गाइस अभी हम लोग मार्केट में आ गए किस टाइप की लेनी चाहिए मम्मी देखेंगे मुझे तो इतना कुछ नॉलेज है ही नहीं मम्मी पसंद करो ना आप कैसा लग रहा हूँ अच्छा लग रहा अभी हम लोग देखो ये हार भी देख रहे हैं कैसा लग रहा है ये कैसा है अच्छा लग रहा है तो गाइस वैसे मैं पहली बार आया हूँ ऐसा सामान लेने के लिए और पार्टी वेयर भी है पैटर्न के अंदर पहनने भी बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है बिट्टू नहीं आया बिट्टू है मामा क्या रुक गया फाइनली गाइस हम लोगों ने कपड़े वगैरह तो ले लिए कपड़े लेने में मम्मी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी ना क्योंकि पसंद करना क्या लेना समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी फाइनली ले लिया चलो मम्मी मम्मी हो गया चले साड़ी ले लो साड़ी है चलो ना साड़ी मम्मी क्या बोल रही थी कि मुझे लेते ही नहीं आएगा देखो गाइस मैंने बोला था ना कि मम्मी को साड़ी दिलाऊंगा लेकिन मम्मी को लेते ही नहीं आता मम्मी को अगर साड़ी ले ली है ना तो किसी तीसरे को भी लाना पड़ेगा फिर हम लोग थोड़ा फल फ्रूट वगैरह ले लेते हैं मामा क्या जा रहे हैं ना थोड़े बहुत ले लेते हैं तो अंगूर अंगूर यहाँ पे दिख गए तो अंगूर ले रहे क्या हाल चाल बोले कितने टोटल आए रहे पास तीन की चार आए तीन ही आए चार एक थे चार पांच थे चार में से तीन तेरी भाभी के लिए बिट्टू तन्नू के लिए ये तीन पार्सल तो आ गए एक और तन्नू के लिए जो कपड़े ऑर्डर करे थे ना वो नहीं आया अभी सो फाइनली सामान वगैरह जो भी लेके आना था लेके आ गए कैसे रह रहे तुम लोग अच्छा रहे और रोए ज्यादा ये रोना कर रोई है क्या मन तन्नू ज्यादा कब रोए इसको इसको मेरे 5 रुपए की वो आती है ना डब्बे वाली आइसक्रीम और मेरा भी खा लिया खुद ने भी खा लिया उसको भी खिला दी चले घर अब चले नहीं जाएंगे नहीं नहीं कल दिन जाएंगे कल सोमवार जाएंगे आज ही सोमवार है आज ही सोमवार है आज तो सोमवार है और हाँ अभी जो जो भी सामान लेके आए ना वो अभी इनको दिखाते हैं तो मैंने ना ये बिट्टू तन्नू की चाची के लिए भी कुछ ऑर्डर करा था ऑनलाइन अब ये देखते हैं कैसा निकलता है कपड़े कुर्ता पेंट है कुर्ता पेंट है प्लाजो कपड़ा भैया फ्लिपकार्ट की मिस हो
ले जाए चेक करना हम फाड़े मत ना कि कपड़ा भी अच्छा लग रहा है कपड़ा अच्छा नहीं है पहनने वाले अच्छे थे तो अच्छा लगेगा हमारी तन्नु रह गई तन्नु के लिए भी ऑर्डर करा है तन्नु क्या करा है आपके लिए ऑर्डर बता दो क्या करा आपके लिए मैंने क्या ऑर्डर करा नहीं खाता तो इनका हो रहा है अंगूर वगैरह खाना अभी बिट्टू ज्यादा नहीं लेना बेटा सबको खाना है वो बंदर खाते ना अंगूर वैसे लग रहे मैं तो बिट्टू के लिए बोल रहा था बस चुड़िया लेके आया चाची के लिए जैसे मैंने बताया था ना कि बिट्टू तन्नू की चाची के लिए सामान लेने जाना है तो हम लोगों ने क्या क्या सामान लिया वो आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ ठीक है सो ये देखो ये क्या बोलते हैं मम्मी इसको ये चूड़ी चूड़िया चूड़ी बोलते चूड़ी चूड़िया ये देखो ये कैसे लग रहे ये देखो ये और उसके बाद ये वाला हार ये झुमके तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे दिखाओ ना मम्मी ये वाले ये झुमके ऑनलाइन ऑर्डर करे थे मैंने ये देखो ये कैसे लग रहे हैं और ये पायल थोड़ी ना है ये भी वही है ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करे थे लेकिन अभी जब ऑर्डर करे थे ना तब मैंने दिखाए नहीं तो अभी दिखा रहा हूँ ये देखो ये भी ऑनलाइन ही ऑर्डर करे थे ये कैसे लग रहे हैं मम्मी देखो ये वाले अच्छे है ना और ये तो इनसे मैच भी हो रहा देखो मम्मी है ना बस बाकी हार मैच नहीं हो रहा ऑनलाइन मंगवाई थी आप लोगों ने कल के ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा जब बिट्टू तन्नू के कपड़े दिखाए थे ना तब ये एक ये वाली और एक जोड़ ये लिए ये वाले कपड़े देखो ये दिखाओ ना अच्छे से ये वाले एक जोड़ कपड़े लिए सलवार सूट बोलते हैं ना सलवार सूट ऐसा जो जो भी सामान हम लेके आए ना थोड़ा बहुत वो तो आप लोगों को अभी हमने दिखा दिया वैसे बहुत सारा सामान और लेना बाकी है अब मेरी जैसे शादी होने वाली है उसमें सब कुछ पता चलते रहेगा कि शादियों में कैसे क्या लगता है त्योहारों पे क्या क्या देना पड़ता है तो धीरे 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 सब पता चलते जा रहा है हमको और मामा के भी जैसे हम लोग गए थे ना तो वहाँ भी दीदियों ने बताया कि वो क्या है ना हम लोगों को ना ज़्यादा ना कपड़े लेने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि जिनके लिए लेना था ना वो थे नहीं साथ में पड़ा और मैंने कभी लड़कियों के लिए भी कपड़े भी नहीं लिए ना मम्मी ने लिए दीदी थी वो भी साड़ी पहनती थी मम्मी वो भी साड़ी पहनते हैं और वो अभी साड़ी नहीं पहनते ना अभी घर पर है तो सलवार सूट ही पहनेंगे और वैसे भी यहाँ पे आएंगे तो सलवार सूट ही पहनेंगे और ये वाला सूट जो दिख रहा है ना ब्लैक वाला है तो ऑनलाइन ऑर्डर करा था वैसे 2 से 3 जोड़ी कपड़े भी देना रहता है और दीदी ने बताया कि साड़ी भी एक लेना पड़ेगा एक साड़ी ऐसा 2-3 जोड़ी कपड़े भी ले जाना रहता है पड़ता तो अभी जितना भी सामान लिया ना वो तो हम लोगों ने दिखा दिया बाकी और आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलते रहेगा ठीक है तो ब्लॉग पर बने रहना पूरा पूरा ब्लॉग जरूर देखना और अपना होली आने वाली है ना उसे पहले देने जाना पड़ेगा तो कब क्या जाएंगे और कौन कौन सा सामान लेना है सब कुछ आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा ठीक है और तो बताना गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे क्या लगा अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना साइड में देखो मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है आप लोग जाना इंस्टाग्राम पर वहां पर भी अपना प्यार देना सपोर्ट करना तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिलहाल के लिए बाय।